मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम ने देश की माताओं बहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई हैं। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता है।